सोयल में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनकी कैसे सैम्पलिंग कर सकते हैं। सो लेट्स गो टूवर्ड द टॉपिक। तो अगर आपने सैम्पलिंग करनी है सोयल के ऑर्गेनिज्म की, तो पहले आपको पता होना चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है कि सॉइल में ऑर्गेनिज्म मौजूद कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे टर्म है, क्योंकि हमने जानना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म्स हैं जिनकी हमें सैम्पलिंग करनी है। सॉइल बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लाइफ, ऑल ऑफ यू नो, एंड डाइवर्सिटी मीन्स कि कितनी वैरायटी के ऑर्गेनिज्म हैं। तो सॉइल बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि कितने लाइफ फॉर्म है, कितने डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स है सॉइल के अंदर, ठीक है। तो इसको कहते हैं सॉइल बायोडाइवर्सिटी। इसमें बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, ठीक है। और वो ऑर्गेनिजम्स जो है, तो वो उनको हम क्यों कहते हैं कि ये सॉइल के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, या फिर ये सॉइल बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही आता है। वो ऑर्गेनिजम्स या तो अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा या ज़िंदगी का अपनी पूरी लाइफ वो सॉइल के ऊपर या सॉइल के अंदर गुजारते हैं, या सॉइल के ऊपर जो पत्तों की डिकेंग पत्तों की लेयर बन जाती है, जिसको सॉइल लेटर कहते हैं, उस पे, या इसके अलावा उसके ऊपर जितने भी डिकेंग मटेरियल होते हैं उस पे, तो इन सब पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको हम सॉइल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, यानी वो अंडर सॉइल बायोडाइवर्सिटी आते हैं। तो सॉइल बायोडाइवर्सिटी क्या है? जितने लाइफ फॉर्म मौजूद है, डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स मौजूद हैं सॉइल पे, इसके अलावा इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा या अपनी ज़िंदगी का तमाम हिस्सा सॉइल के ऊपर या सॉइल के ऊपर जो लिटर मौजूद है या डिकेंग लॉग्स है उधर गुजारते हैं, ठीक है। अब इस सॉइल ऑर्गेनिज्म को या सॉइल की जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी क्लासिफिकेशन 3 ग्रुप्स में की गई है। एक है मैक्रोबायोटा, मीजोबायोटा एंड माइक्रोबायोटा। जाहिर है मैक्रोबायोटा में वो चीज़ें होंगी जो बड़ी होंगी, मीजो जो कि इन दोनों के बीच आएंगी, और माइक्रो जो कि काफ़ी छोटी होंगी, माइक्रोस्कोपिक होंगी, ठीक है। सबसे पहले आते हैं टुवर्ड द माइक्रोबायोटा। माइक्रोबायोटा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं और माइक्रोफाना भी आते हैं। तो पहले चलते हैं और पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी ज़्यादा छोटे एनिमल्स होते हैं, लेकिन उनका साइज 20 से लेके 200 नैनोमीटर होना चाहिए लेंथ में, और उनकी डायमीटर 0.1 mm से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट है और बहुत ही डाइवर्स है, मतलब इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है नंबर में। अब इसके अलावा इसमें एलजी भी है, शामिल है, इसमें बैक्टीरियाज भी शामिल है सॉइल माइक्रोबायोटा में। सॉइल के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सियानो बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट, माइजोमाइसीट्स और एक्टिनोमाइसीट्स, ये दोनों भी फंगस हैं। फंजाई की टाइप्स इसकी क्लासेस हैं, या हम कह सकते हैं कि इसका बड़ा ग्रुप है, बड़ी क्लास है, ठीक है। तो ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करते हैं, कोई भी लाइफ फॉर्म है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, उसकी डेथ हो गई, जैसे किसी इंसान को भी दफन कर देते हैं ज़मीन में, तो उसकी डिकम्पोजिशन इन्हीं ऑर्गेनिजम्स ने करनी है, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम क्या होता है, ये कैसे क्यों डिकम्पोज करते हैं? ये जब डिकम्पोज कर लेते हैं तो इसके अंदर जितने न्यूट्रंट मटेरियल मौजूद होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर लेते हैं स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल में, और फिर इसी सॉइल से वो न्यूट्रंट्स प्लांट्स ले लेते हैं, ठीक है। और फिर प्लांट्स को बाकी एनिमल्स खाते हैं और एनिमल्स को ह्यूमंस खाते हैं, और ये जो है तो फूड चेन कॉन्टिन्यूस रहता है। इसके बाद है माइक्रोफाना। तो माइक्रोफाना में कोलम्बोला, माइट्स, नेमाटोड्स, प्रोटोजोवा और इसके अलावा कोई भी चीज़ जो कि सॉइल के वाटर फिल्म में रहती है और वो माइक्रोफ्लोरा पे फीड करती है, प्लांट के रूट्स पे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये माइक्रोफोना है। इसमें आपके पास एंटोमो पैथोजेनिक नेमाटोड्स भी आते हैं। अब एंटोमो पैथोजेनिक नेमाटोड्स क्या है? ये वो नेमाटोड्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स पे भी और बाकी बड़े इनवर्टिब्रेट्स पे फीडिंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोफोना एज अ ब्रिज काम करता है। प्राइमरी डिकम्पोजर्स वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उसके अलावा जो लार्जर फोना है उनके दरमियान एज अ ब्रिज काम करता है फूड वेब में, ठीक है। ये आपके पास काफ़ी इम्पोर्टेंट है न्यूट्रंस की रिलीज में।
ठीक है, कि जो भी न्यूट्रंट्स मौजूद होते हैं फूड पार्टिकल में या फिर किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उसकी न्यूट्रंट्स की रिलीज में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इस माइक्रोफोना में जो सबसे अहम एनिमल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल है, मेन एनिमल है माइक्रोफोना का, आपको याद होना चाहिए कि वो प्रोटोजोआ है। ठीक है, पूछा जा सकता है ना कि कौन सा माइक्रोफाना जो है तो सबसे मेन है सॉइल एनिमल्स में, तो प्रोटोजोआ। ठीक है, उसके बाद आते हैं मीजोफोना। तो मीजोफोना माइक्रोफोना के बाद लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल्स का। अब इनका साइज 200 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर लेंथ में होगा, जबकि उसकी डायमीटर 0.1 से 2 मिलीमीटर एमएम होनी चाहिए, माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर, सॉरी। अच्छा, अब इस मीजोफोना में कौन से माइक्रो आर्थ्रोपोड्स आते हैं? माइक्रो आर्थ्रोपोड्स मतलब ऐसे आर्थ्रोपोड्स जिनको हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही देखेंगे। उसमें स्यूडोस्कोर्पियंस हैं या फिर बहुत ही छोटे होंगे, प्रोटोच्यूरा है, डिप्लूरा है, स्प्रिंग टेल्स हैं, माइट्स हैं, स्मॉल मेरीपोड्स हैं जिसमें पोरोपोडा और सेमफाइला आते हैं, इसके अलावा वॉर्म की तरह इकाइट्राइड्स हैं इसमें। इन सब की इमेजेस अभी हम देखेंगे, तो टेंशन नहीं लेके ये क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, अब मीजोफोना ऑर्गेनिजम्स जो है तो इनमें बोरोविंग की एबिलिटी काफ़ी कम होती है, तो इस वजह से वो जितने भी सॉइल में पोर्स होते हैं ना वहाँ पर रहते हैं। और ये मीजोफोना फीडिंग करते हैं जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, इसके अलावा जितने भी माइक्रो फ्लोरा होते हैं मतलब छोटे छोटे से जो प्लांट्स होते हैं, इसके अलावा माइक्रोफोना छोटे छोटे से एनिमल्स और उसके अलावा बाकी इनवर्टिब्रेट्स पे ये मीजोफोना फीडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास स्कॉर्पियंस है, ये आपके पास प्रोट्यूरन है जिसको एलिप्लूरा और पैरा इंसेक्टा भी कहते हैं। इसके बाद जेपीगेड्स हैं जिसको डिप्लूरा और पैरा, ये भी पैरा इंसेक्टा में ही आता है। इसके अलावा स्प्रिंग टेल ये कोलेम्बोला में अंडर आता है, और ये भी पैरा इंसेक्टा का ही पार्ट इंसेक्ट है आपके पास। इसके बाद है माइट्स, ये माइट्स हैं। इसके अलावा स्यूडो सेंटीपीड है, ये सेमफाइला और माइरीपोडा में आता है। इसके अलावा पोरोपोडन है ये, और इसके अलावा इकाइट्राइड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा बाद हम आते हैं टुवर्ड द मैक्रोफोना। तो मैक्रोफोना डेफिनेटली मैक्रो बड़े को कहते हैं। तो ये ऐसा ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स का जो कि सॉइल में मौजूद होंगे, लेकिन कहा जाता है कि 90% उस सॉइल में जो आपको अपनी आंख से ही नज़र आ जाते हैं ये, तो वो मैक्रोफोना होते हैं जिसको आप इजीली विद द हेल्प ऑफ योर आई देख सकते हैं, अनएडेड आई से देख सकते हैं, तो उसको मैक्रोफोना कहते हैं। अब सॉइल मैक्रोफोना में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? अर्थवॉर्म्स हैं, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, आंट्स, कोलियोप्टेरा, उसके एडल्ट्स भी, उसके लार्वा भी, आइसोपोडा, स्पाइडर स्लग्स, स्नेल्स, टर्माइट्स, डर्मेप्टेरा, लेपिडोप्टेरा के लार्वा मतलब बटरफ्लाई और मोथ्स के लार्वा, इसके अलावा डेप्ट्रा के लार्वा इसके इसमें आते हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा एबंडेंस में भी मौजूद हैं, और इसके अलावा इनके इम्पोर्टेंट रोल भी हैं सॉइल की फॉर्मेशन में, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से मैक्रोफोना? अर्थवॉर्म्स, टर्माइट्स और आंट्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैक्रोफोना कंपोनेंट है सॉइल के। कौन? अर्थवॉर्म, टर्माइट्स एंड आंट्स, ये भी आपने याद रखना है। सो ये अर्थवॉर्म्स हैं, टर्माइट्स हैं, इसके बाद ये स्लग्स हैं, ये स्नेल है, दैट इज एयरविक एंड ग्राउंड बीटल, दीज आर ग्राउंड बीटल ग्रब्स, दिस इज मिलीपीड, दीज आर मोल क्रिकेट्स, दीज आर आइसोपोड, इनको तो आपने मोस्टली देखा भी होगा। इसके अलावा ये डिप्टेरियन का लार्वा है,
और ये आपके पास लेपिडोप्टेरन का लार्वा है, मतलब मॉथ्स और बटरफ्लाइज का लार्वा। अब मेथड्स कौन कौन से यूज़ होते हैं जो हमने सॉइल के फौना को एक्सट्रैक्ट करना है या उसकी सैम्पलिंग करनी है। लिटर किसको कहते हैं, जो आपके पास सबसे ऊपर वाली लेयर बनी होती है ना सॉइल की, जिसपे डिकम्पोज होके लीफ पड़े हुए होते हैं, उसको लिटर कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सॉइल फौना के सैम्पलिंग का अब हम पढ़ेंगे। अब सैम्पलिंग जो होती है, जिसमें हम इनवर्टिब्रेट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं सॉइल के सैम्पल से, तो उसमें हमारे पास मैनुअल मेथड आता है, फिजिकल और केमिकल मेथड्स आते हैं। तो मैनुअल मेथड हमारे पास काफ़ी इफ़ेक्टिव है इनवर्टिब्रेट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अर्थ की कैविटीज से, ठीक है। और उसके अलावा ऐसे मटेरियल्स जो कि कोई पुरानी वुड होती है ट्री की, या फिर ट्रंक पड़ा होता है कहीं पे, मोस्टली ओल्ड वुड वगैरह में भी काफ़ी ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते, तो उससे और अर्थ से इनवर्टिब्रेट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैनुअल मेथड काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है। अब सिंपली अगर आपने सैम्पलिंग करनी, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो क्या करना है, ग्लव्स पहनने और जाना है सॉइल में से आपको जो जो मैक्रोफोना नज़र आ रहे हैं उनको लेना है। या आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा सॉइल उठाया और उसको लेके गए, फिर उसको देखा कि उसमें जो जो ऑर्गेनिजम्स आपको मिल रहे हैं उनको उठाएं फोरसेप्स की हेल्प से और उसको फिर एक्सट्रैक्ट कर ले। तो एक तो ये बिल्कुल सिंपल मैनुअल मेथड है सैम्पलिंग का। इसके बाद है सीव एक्सट्रैक्शन। सीव एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि सैंपल जो सॉइल का आपने उठाया, उसको एक सीव कहते हैं, छलनी को, मोस्टली जिससे आप चाय को छानते हैं या आटे को छानते हैं उसको सीव कहते हैं। तो इस तरह की सीव होती है, उसमें पहले डालते हैं सॉइल को, उसको छानते हैं। पहले एक खुली ओपनिंग वाले मेश को यूज़ करते हैं, सीव को यूज़ करते हैं, उसके बाद थोड़े से मतलब ज़्यादा स्मॉल ओपनिंग वाले से करते हैं, तो उसकी हेल्प से आपके पास इनवर्टिब्रेट्स या सॉइल का जो फौना है वो आ जाता है, और फिर आप उसको विद द हेल्प ऑफ फोरसेप्स या माउथ एस्पायरेटर अलग कर देते हैं। तो ये हो गया एक मेथड सीव एक्सट्रैक्शन। उसके बाद है दूसरा फ्लोटेशन एक्सट्रैक्शन। फ्लोटेशन एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि सॉइल को लिया जाता है और सॉल्यूशंस डाले जाते हैं, और उस सॉल्यूशन में फिर उस सॉइल को डाल दिया जाता है, तो उसके ऊपर वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं और फिर उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। कैसे, पिपेट की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से, फ्लेक्सिबल फोरसेप्स की हेल्प से। और इसमें आपके पास हाइपोजियल मैक्रोफोना आता है। हाइपोजियल मतलब अंडरग्राउंड जो फोना मौजूद होता है सॉइल में, वो आता है इसमें, ठीक है। अब कौन कौन से सॉल्यूशन लेके हम फ्लोटेशन एक्सट्रैक्शन करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का लेते हैं, हेप्टेन, इसके अलावा शुगरी सॉल्यूशन, कोलाइडल सिलिका पॉलीमर और लोडॉक्स, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हम यूज़ करते हैं फ्लोटेशन एक्सट्रैक्शन के मेथड। अब इसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सैम्पलिंग, जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में फंजाई भी आते हैं, बैक्टीरियाज भी आते हैं, प्रोटेस्ट्स भी आते हैं, ठीक है। ये जो है तो मेजर बायोटा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, ठीक है, मतलब जो लिविंग पार्ट होता है किसी भी लैंड इकोसिस्टम का, उसका मेजर पोर्शन फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटेस्ट है। क्यों मेजर पार्ट है, क्योंकि इनके नंबर भी काफ़ी ज़्यादा है और इनके नंबर ऑफ स्पीशीज भी काफ़ी ज़्यादा है। अब काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सैम्पलिंग के लिए। तो सैम्पलिंग के लिए इक्विपमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको, हाफ ओपन कॉरल चाहिए, उसके अलावा ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स जो नॉर्मल शॉपर के बैग्स होते हैं वो चाहिए आपको, ठीक है। और लेकिन ऐसे वो जो जिपर बैग्स, जिपर पाउचेस होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। गार्डन शेयर्स होने चाहिए, वुडन फ्रेम्स होने चाहिए आपके पास, ट्रॉवल नाइफ, एक कूलिंग बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिस्पोजेबल ग्लव्स भी यूज़ करने हैं, क्योंकि आप ऐसे डायरेक्टली सैम्पलिंग नहीं कर सकते, वो तो फिर रिसर्चर को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ह्यूमंस को भी नुकसान देते हैं। इसके अलावा
बैक्टीरियाज भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैम्पलिंग डेटा शीट होनी चाहिए और एक परमानेंट मार्कर होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप इन्हीं पॉलीथीन बैग्स पे या जिपर पाउचेस पे फिर सैंपल के नाम और डेटा वगैरह लिख सकें, ठीक है। इसके अलावा एक पेंसिल होना चाहिए, स्टरलाइजिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए, गैस बर्नर और लाइटर होना चाहिए, एक ऐसा बकेट होना चाहिए जिसपे लिड हो, डिसइंफेक्टोल होना चाहिए स्प्रे बॉटल में, एक टाइप का डिसइंफेक्टेंट है डिसइंफेक्टोल, आप इसकी जगह डिसइंफेक्टेंट भी लिख सकते हैं। पेपर टॉवल होने चाहिए और इसके अलावा ऐसे कंटेनर्स होने चाहिए कि जिसमें डिसइंफेक्टोल को हम दोबारा से इस्तेमाल के लिए, रिसाइकिलिंग के लिए डाल सकें। इसके अलावा डिस्टिल वाटर या फिर डीआयोनाइज्ड वाटर होना चाहिए, वायर ब्रश होने चाहिए आपके पास। ऐसे ब्रशेस भी होते हैं कि जिनके जो ब्रिसल्स होते हैं वो वायर के बने हुए होते हैं, तो वो होना चाहिए। इसके अलावा एक क्लीन बॉक्स होना चाहिए जिसमें आप सारे के सारे स्टरलाइज्ड इक्विपमेंट्स को वापस रख सकें। इसके अलावा डीनेचर्ड अल्कोहल होना चाहिए जिसको 5% ईथर के साथ डीनेचर किया गया हो, ठीक है। अब स्टेरिलाइजेशन क्या चीज़ है? स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इंक्लूडिंग इंडोस्पोर्स, तमाम की तमाम लाइफ फॉर्म डिस्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है, तो उसको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। अब वो इक्विपमेंट्स जो कि फील्ड में चाहिए होंगे वो कौन कौन से है? एक रेफ्रिजरेटर चाहिए होगा प्लास्टिक बैग्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा फ्रीजर चाहिए होगा और पैकिंग मटेरियल भी चाहिए होगा। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग क्या है, ठीक है, कि सैम्पलिंग कब कब करनी चाहिए? तो आपके पास डिफरेंट एरियाज होते हैं, उनको आप प्लॉट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि इस प्लॉट में सैम्पलिंग करनी है, इस प्लॉट में सैम्पलिंग करनी है, तो हर एक प्लॉट में बस आपने एक ही मरतबा सैम्पलिंग करनी है, दोबारा से उसी प्लॉट में नहीं आना। ज़मीन का एक हिस्सा जिसे प्लॉट कहते हैं, ठीक है। अब पीरियड ऑफ सैम्पलिंग, आपके पास स्प्रिंग और ऑटम का जो सीजन होता है वो होता है, ठीक है, जब आपके पास सॉइल काफी ज्यादा ह्यूमिड होती है, ठीक है, नमी होती है सॉइल में और कंडीशंस और टेम्परेचर काफी ज्यादा सूटेबल होते हैं सैम्पलिंग के लिए। अब स्प्रिंग में सैम्पलिंग जो है तो तब स्टार्ट करनी चाहिए जब स्नो मेल्ट हो जाए और कोई फ्रॉस्ट वगैरह मौजूद ना हो, ठीक है। उन इलाकों के बारे में बात की जा रही है जहाँ पर स्नो होती है, जैसे कि मोस्टली नॉर्थ अमेरिका वगैरह है या फिर मरी साइड है या इस तरह के ठंडे इलाके, तो उनकी बात की जा रही है। और सैम्पलिंग अप्रैल में करनी चाहिए कोल्ड टेम्परेचर्ड एरियाज की, और जून के बिल्कुल स्टार्ट में बोरियल जोन में करनी चाहिए। अब बोरियल जोन कौन सा जोन है? ये आपके पास एक इकोलॉजिकल जोन है, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लैंड बायोम है, इसको स्नो फॉरेस्ट भी कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है, ठीक है। अब ऑटम में भी सैम्पलिंग कर सकते हैं, और उसके अलावा सितंबर में, अक्टूबर में कोल्ड टेम्परेचर में, और नवंबर में भी मेडिटेरेनियन जोन में कर सकते हैं। ये सारे के सारे इकोलॉजिकल जोन्स हैं, पूरे वर्ल्ड को डिफरेंट इकोलॉजिकल जोन्स में डिवाइड किया गया है। अब आपके पास कौन कौन सा डेटा होना चाहिए? डेटा जो आप गैदर करेंगे, आप अपने पास क्या इंफॉर्मेशन लिखेंगे जब आप कलेक्शन करने, सबसे पहले जो बंदा सैम्पलिंग कर रहा है उसका नाम, वेदर की क्या कंडीशन थी उस दिन जिस दिन आप सैम्पलिंग कर रहे थे, टेम्परेचर क्या था, लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी क्या थी, मतलब प्रेसिपिटेशन क्या, बादल थे नहीं थे, कितने प्लॉट पे आप काम कर रहे थे, प्लॉट्स का नंबर, इसके अलावा डाइवर्सिटी का लेवल कि कितनी डाइवर्स टाइप ऑफ एनिमल्स मौजूद थे, उसके अलावा आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन की और कौन कौन से प्रॉब्लम आए जिनको आपने फेस किया ड्यूरिंग सैम्पलिंग, तो ये सारा का सारा डेटा होना चाहिए आपके पास, आपने इस डेटा को लिखना है अपने पास। अब सैम्पल कलेक्शन के दो मेथड होते हैं, जब आप प्लॉटिंग से कलेक्ट करते हैं ना सैम्पल, तो उसके ये दो मेथड्स हैं। इफ़ यू आर कलेक्टिंग सैम्पल बाय यूजिंग प्लॉटिंग मेथड्स, तो सबसे पहला एक प्रोसीजर है प्रोसीजर ए। इसमें क्या करना है, ग्लव्स पहनने और जितने भी सामने वेजिटेशंस वगैरह है उनको हटाना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि लिटर को रिमूव करना है
और उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेंस बताए गए, इसको आप टाइम टू टाइम मेयर करेंगे कि इतने इतने लेंस से आपने रिमूव करना है इस एरिया को, और उसके बाद आपने सैंपल को लेना है और आपने नाइफ की हेल्प से एक्ट ऑर्गेनिक लेयर को लेना है सॉइल से। अब एक्ट ऑर्गेनिक लेयर कौन सी लेयर होती है, ये फॉरेस्ट फ्लोर को कहते हैं या फिर जो लिटर लेयर होती है उसको एक्ट ऑर्गेनिक लेयर कहते हैं। अब आपने क्या करना है, जब आपने नाइफ की हेल्प से एक्ट ऑर्गेनिक लेयर ले ली सॉइल की, तो एक शॉपर लेके उसमें डाल देना है और उसको लेबल कर देना विद द हेल्प ऑफ परमानेंट मार्कर कि भाई ये एक्ट ऑर्गेनिक लेयर है इस बैग में, ठीक है। और उसके बाद फिर से आपने रूलर लेना है और नाइफ लेना है, आपने फिर 5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेके उस सॉइल को ले लेना है, अपने पॉलीथीन बैग में डाल देना है। तो जब आप वो लेंगे वो आपके पास कंपोजिट सॉइल सैंपल होगा, ठीक है। कंपोजिट सॉइल सैंपल कौन सा होता है, ये जो आपके पास न्यूट्रंट रिच सॉइल होती है उसे कंपोजिट सॉइल कहते हैं। तो फिर पहले क्या किया, ग्लव्स पहने, वेजिटेशंस वगैरह हटाए, उसके बाद क्या किया कि सॉइल का जो एक्ट ऑर्गेनिक लेयर है मतलब जो ऊपर वाला फॉरेस्ट फ्लोर है वो वाले लिए बैग में डाले, लेबल किया, उसके बाद रूलर लिया और नाइफ ली और 5 सेंटीमीटर तक सॉइल को अलग किया और उसको दूसरे बैग में डाला। तो ये जो आपने 5 सेंटीमीटर का बाकी अलग किया दैट इज़ द कंपोजिट सॉइल सैंपल, मतलब कि न्यूट्रंट रिच सॉइल है ये। इस प्रोसीजर को आपने बाकी भी जितने प्लॉट्स आपके अगर 5 सब प्लॉट्स हैं या जितने भी प्लॉट्स हैं उन सब के साथ करना है, ठीक है। और उन सब में आपने एक्ट ऑर्गेनिक सॉइल और कंपोजिट सैंपल्स डिफरेंट डिफरेंट बैग्स में लेबल करके डालने हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, दैट इज़ प्रोसीजर बी। इसमें भी आपने ग्लव्स पहनने हैं, वेजिटेशन अगर मौजूद है उनको हटा देना है, ठीक है। 20 स्क्वायर सेंटीमीटर के मुताबिक ये जो डिफरेंट यहाँ पे मेजरमेंट्स दी गई हैं, ये मेजरमेंट्स जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट्स आप करते हैं और तभी आप रिमूवल करते हैं। और इसके बाद जितने भी फ्रेशली फॉलन अनडिकम्पोज लेटर होते हैं, मतलब जो लीव्स ऐसे होते हैं जिनकी डिकम्पोजिशन नहीं होती वो मौजूद होते हैं, ब्रांचेस वगैरह जो भी मौजूद है सॉइल पे उसको हटा देना है। ग्लव्स पहनने, वेजिटेशन हटाने, फ्रेशली फॉलन लीव्स या फिर ब्रांचेस को हटाना है, ठीक है। उसके बाद एक वुडन फ्रेम को रखना है ग्राउंड के मिडल में, बिल्कुल साफ एरिया में, और उसके बाद आपने एक्ट ऑर्गेनिक हॉरिजोन को रिमूव करना है उस फ्रेम से और एक लेबल पॉलीथीन बैग लेके तो उसमें आपने डाल देने हैं एक्ट ऑर्गेनिक लेयर को भी और कंपोजिट लेयर को भी, इन दोनों को आपने डाल देना है। तो ये दूसरा मेथड हो गया सैम्पलिंग का। ये फिर इसकी फर्दर डिटेल्स दी गई हैं कि आपने फिर बाकी जाके किस तरह से सैम्पलिंग करनी, इसको आप नहीं भी पढ़ना चाहे तो इट्स ओके, लेकिन अगर पढ़ना चाहे तो दैट इज द फर्दर डिटेल ऑफ प्रोसीजर बी। अब सैम्पलिंग अगर हमने करनी है वो तो थी प्लॉट सैम्पलिंग, अब अगर हमने सॉइल सैम्पलिंग करनी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन लेबॉरट्री, या फिर हमने थोड़ा सा सॉइल का सैंपल लेके तो उससे माइक्रोब्स की एक्सट्रैक्शन करनी है, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ होगा। तो इसके लिए हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट है, उसके लिए आपने 3 एनवायरमेंट को सेलेक्ट करना है या 3 डिफरेंट लोकेशंस को जहाँ से आपने सॉइल के सैंपल को लेना है। एक उसमें रिवर होना चाहिए, एक मार्श और एक फॉरेस्ट, ये 3 एरियाज़ को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने एक स्टेराइल ट्यूब को लेना है और उसमें आपने सैंपल को डालना है, फिर उसमें आपने स्टेरलाइज्ड वाटर को डालना है इसी सॉइल में, और फिर आपने इसमें 500 ml 4-starch कैसीन एगर को ऐड कर देना है, ठीक है। और फिर इसके बाद इसी को आपने डाल देना है प्लेट्स में, जो प्लेट्स होती हैं लैब में इक्विपमेंट्स में, तो उसमें आपने इसको डाल के रूम टेम्परेचर पे इनक्यूबेशन के लिए छोड़ देना, ठीक है। अब जब दूसरा हफ्ता हो जाएगा, सेकेंड वीक आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, आपने 100 ml ऑफ फॉरेस्ट सैंपल लेना है और उसे 400 ml दोबारा से स्टेराइल वाटर के साथ उसको डाइल्यूट कर देना है।
तो हमें नजर आएंगे कि फोर डिफरेंट टाइप्स की कॉलोनीज हमारे पास, हर एक हमने तीन टाइप के सॉइल लिए थे ना, तीन डिफरेंट एनवायरनमेंट से, तो हमारे पास फोर डिफरेंट टाइप की कॉलोनीज बन जाएंगी जो कि हमें नज़र आएंगी, ठीक है। और हर एक कॉलोनी की फिर आपने स्ट्रीकिंग कर देनी है उस प्लेट की कैसीन एगर के साथ, ठीक है। इसके बाद हमने स्मेयर करना है। स्मेयर क्या होता है कि इस तरह से आपके पास एक प्लेट होती है, उसके लिए फिर आप स्मेयर बनाते हैं। ठीक है, एक आपके पास ये प्लेट है जो लैब में होती है, इधर आपने सैंपल सॉइल का रखा। तब स्ट्रीकिंग क्या होती है, आपने कोई भी लूप स्टरलाइज लिया और उसकी हेल्प से आपने इधर स्ट्रीकिंग की इस तरह से, या किसी भी तरह से आप लाइंस इस प्लेट में बना लेते हैं। अब स्मेयर क्या होता है, जब आप किसी भी स्लाइड वगैरह पे जो आपका सैंपल है उसको लगाते हैं, उसको फैला देते हैं, उसको स्मेयरिंग कहते हैं, ठीक है। विद हेल्प ऑफ स्लाइड्स, दो स्लाइड लेते हैं, एक स्लाइड पे आपने मटेरियल रखा और दूसरा स्लाइड लेके उसके ऊपर आपने उसको स्प्रेड किया, सो दैट इज स्मेयर, ठीक है। तो हमने स्मेयर करना है जो जितना भी इंटायर फॉरेस्ट का प्लेट है, तो हमने स्लाइड लिया उसकी मदद से, जो फॉरेस्ट का प्लेट है इधर हमने स्लाइड लिया और इसका इसकी स्मेयरिंग की, ठीक है। हमने फॉरेस्ट प्लेट और इंटायर रिवर प्लेट की स्मेयरिंग की क्योंकि वहाँ पे कोई सेपरेट कॉलोनीज नहीं बनी थी। फिर हमने उसको रूम टेम्परेचर पे इनक्यूबेट किया। अब थर्ड वीक में क्या होगा, तो हमें नजर आएंगे कि कॉलोनीज की फॉर्मेशन थर्ड वीक में हो जाएगी, ठीक है। अब हमने तीन टाइप की ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करनी है, तीन फॉरेस्ट प्लेट्स के लिए, दो रिवर प्लेट्स के लिए और चार मार्श प्लेट के लिए हमने ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करनी है। अब ग्राम स्टेनिंग के रिजल्ट में ही हमें पता चलेगा कि या तो इन फॉरेस्ट प्लेट में, रिवर प्लेट्स में और मार्श में बेसिली की कॉलोनीज मौजूद हैं या नहीं है। तो जो एक प्लेट है उसमें हमने स्टेनिंग कर दी, एंडोस्पोर की स्टेनिंग कर दी और कैटलेस टेस्ट किया हमने, और दूसरे में हमने और जिसमें एंथ्रेक्सिस की करनी है, एंथ्रेक्स को मालूम करना है कि वो मौजूद है या नहीं, तो उसमें हमने ऑक्सीडेस टेस्ट किया और TSI टेस्ट किया परफॉर्म, ठीक है। तो अब हमारे पास कैसीन स्टार्च प्लेट्स में रिजल्ट्स क्या क्या आए हैं। दीज आर कैसीन स्टार्च प्लेट्स, इनको ऊपर से लेबल भी किया गया है कि ये फॉरेस्ट सैंपल है, ये मार्स सैंपल है, ठीक है। इन सबको आप देख सकते हैं, लेबल किया गया है। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्लेट है उसमें जो कल्चर्स फॉर्म हुए माइक्रोब्स के, वो काफ़ी ज़्यादा थिक हैं, और जो सेकेंड प्लेट्स हैं उसमें भी कॉलोनीज नज़र आ रही हैं। तो जो पहला मार्श था, ये हमने डिफरेंट डिफरेंट लेबलिंग की होती है उन प्लेट्स की, तो उसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव रोड्स बेसिलस के नज़र आए, मार्श बी में ग्राम पॉजिटिव रोड्स नज़र आए, मार्श सी में ग्राम नेगेटिव कॉक्साई नज़र आए, और रिवर ए में भी ग्राम नेगेटिव कॉक्साई के क्लस्टर्स नज़र आए, रिवर बी में भी ग्राम नेगेटिव कॉक्साई के क्लस्टर नज़र आए, फॉरेस्ट ए में और फॉरेस्ट बी में भी रोड्स और ओवल्स, मतलब डिफरेंट टाइप की कॉलोनीज फॉर्म, इस तरह फॉरेस्ट सी में भी डिफरेंट कॉक्साई के क्लस्टर्स मिले, ठीक है, ग्राम नेगेटिव कॉक्साई के। ये हमें एज अ रिजल्ट ऑफ ग्राम स्टेनिंग पता चला कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इलाकों पे मौजूद थे सॉइल के, ठीक है। अब आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको याद हो कि कौन सा बैक्टीरिया कौन से मार्श में और प्लेट में था, बस आप ये भी लिख सकते हैं ग्राम स्टेनिंग के रिजल्ट में डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज क्लस्टर्स और रोड्स वगैरह फॉर्म हुए, कुछ में ग्राम पॉजिटिव थे और कुछ में ग्राम नेगेटिव थे। अब एंथेरिक बैक्टीरिया जो है तो एक ग्राम नेगेटिव रोड है, और वो जो है तो यूजुअली नेगेटिव है ऑक्सीडेसिस के लिए, और कैटालेसिस के लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है। अगर आप ऑक्सीडेसिस यूज़ करेंगे तो वो नेगेटिव रिजल्ट शो करेगा, अगर आप कैटालेसिस यूज़ करेंगे तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। ये मोस्टली नाइट्रेट रिड्यूसर बैक्टीरियाज हैं, और ये मोस्टली सॉइल के सैंपल्स में मौजूद होते हैं, और ये ग्लूकोज की फर्मेंटेशन में हेल्प देते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट सैम्पलिंग ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म।